शराब पीने के बाद तीन युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि नकली शराब की वजह से युवक की मौत हुई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मामला गुरुवार रात अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी का है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर अंशदीप, एसपी चुनाराम जाट और आबकारी विभाग तारामती वैष्णव सहित अन्य अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और अचेत युवकों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद घटना स्थल का मौका मुआयना भी किया। गुरुवार को इंदिरा कॉलोनी निवासी अमित उर्फ कालू के घर पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। कॉलोनी में रहने वाले ब्रिजेश और विक्रम अमित के घर शराब पार्टी कर रहे थे। करीब एक घंटे बाद तीनों अचेत हालत में मिले। अमित के घर से शराब की खाली बोतलें भी पड़ी मिली। पड़ोसियों की सूचना पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पड़ोसियों की मदद से अचेत हालत में तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इंदिरा कॉलोनी निवासी ब्रिजेश पुत्र लक्ष्मी नारायण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि विक्रम और अमित उर्फ कालू की हालत हॉस्पिटल में गंभीर बनी हुई है। घटना स्थल पर एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। इसके साथ ही अंधेरा होने के कारण पुलिस की ओर से घटना स्थल को सीज किया गया है। पुलिस को मौके से अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली है। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वास्तविकता सामने आएगी। ये हमारी टीम वहाँ पे सैंपल ले रही है, सैंपल लेने के बाद एक्यूरेसी हम बता पाएंगे आपको। सामने आया है, उसमें ये लगा है कि ड्रिंक करते हुए इनमें शायद आपस में कोई झगड़ा हुआ है।